अब प्रधानमंत्री जी 15 साल पुरानी बात करेंगे, 15 साल अपनी बात क्यों नहीं करते हैं? इसके बारे में हमको लगता है कि इनका इलाज बहुत जरूरी, कहीं न कहीं लोग जनता ही इलाज करेगी, जनता ही मालिक होती है। देखिए, उन्होंने कहा कि जहाँ समुद्र है फैक्ट्री वहीं होता है। अब मुझको इतना बड़ा थेथरलॉजी सुना आया, बड़का बड़का 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट आप लोगों का चल रहा है, बाढ़ में गरीब आदमी भूखा था। ना मोदी इतना डिसलाइकिंग हो रहे हैं, ट्विटर ट्रेंड था गो बैक मोदी, 6 घंटा तक ट्रेंड ट्वीट किया गो बैक मोदी, गो बैक मोदी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जनाधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव हैं। पप्पू जी, जिस तरीके से जनसभाओं में आपकी भीड़ लग रही है, क्या लगता है अंडरकरेंट है? अब जनता ना तय करेगी। देखिए, कंफ्यूज तो है जनता, जनता को नेताओं ने इस बार बहुत कंफ्यूज किया है। लेकिन मुझे लगता है कि यूथ, गरीब और महिलाएं ये मन बना चुके हैं कि किसी भी परिस्थिति में हमें एक नया विकल्प देना है। ये दिखता है मुझे लगता जमीन पर दिखता है, जमीन पर जो ग्राउंड रियलिटी है। अब जो पत्रकार हवा हवा में, अब बीजेपी माइंडेड हो जाए, कोई कोनो माइंडेड हो जाए, कोई पैसा लेकर के सर्वे करे, तो वो अलग चीज़ है। नहीं, जिस तरह से इन दिनों बयानबाजियों का जो स्तर है बिहार में गिरा है, बयानबाजियाँ अब तू तड़ाक तक आ गई, वो कोई मैटर है? आप अपनी बात रखिए ना। अब प्रधानमंत्री जी 15 साल पुरानी बात करेंगे, 15 साल अपनी बात क्यों नहीं करते हैं? 15 साल अपनी बात करिए ना कि NCR की रिपोर्ट क्या है, नीति आयोग क्या कहता है बिहार के बारे में, भूख की स्थिति बिहार की क्या है, पलायन फिर वापस बिहार का मजदूर चला गया, तो प्राइम मिनिस्टर इस पर क्यों नहीं बात करते हैं, यू छात्र पर क्यों नहीं बात करते हैं? मैंने तो साफ शब्दों में कहा कि कंप्लीट रूप से टोटल स्टूडेंट का कोचिंग मैं फ्री करने जा रहा हूँ। जो इंटर करेगा 8,000 रुपया महीना जब तक पढ़ेगा, पप्पू यादव अकाउंट में देने जा रहा है, अकाउंट में टोटल 8,000। और बेरोजगार लोगों को जब तक मैं 20,000 का रोजगार नहीं दे रहा हूँ, उसको 6,000 रुपया 3 साल तक दूंगा। तो ये चीज़ें तो पप्पू यादव, आप जो वे है, जो विजन है, आप उस पर मोदी जी कुछ नहीं बात करते हैं। नीतीश कुमार जी अपनी बात, विशेष पैकेज भूल गए, विशेष राज भूल गए, गंगा नमामि मिशन भूल गए, टाल दियरा भूल गए, पटना स्मार्ट सिटी भूल गए, लगभग सब कुछ भूल गए। अब तू तरह गाली गलौज नीतीश कुमार जी के बारे में, हमको लगता है कि इनका इलाज बहुत जरूरी, कहीं न कहीं लोग जनता ही इलाज करेगी, जनता ही मालिक होती है। देखिए, उन्होंने कहा कि जहाँ समुद्र है फैक्ट्री वहीं होता है। अब मुझको इतना बड़ा थेथरलॉजी, मुझको जरा आप ये बताइए, हरियाणा में कौन समुद्र है, पंजाब में कहीं है? तो कुल मिलाकर मुद्दों से वो भटका रहे सर, दोनों मुद्दों से भटका रहे हैं, मुद्दा ही नहीं है दोनों के। 19 लाख ले लो, अरबा चावल ले लो, 1 किलो चना ले लो, 1 टोका 10 लाख ले लो। बारे बार 2015 में दोनों आदमी थे तो 1 को नौकरी दी है, और चुनाव आया बड़का बड़का 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट आप लोगों का चल रहा है। अब बाढ़ में गरीब आदमी भूखा था, दूध के लिए तरस गया था, परेशान था, कोरोना वायरस में एक एक लोग परेशान थे, एक एक लोग पूरा का पूरा परेशान था। अब आप हमको जरा बताइए, अभी छपरा गोपालगंज सिवान में अभी बाढ़ आया, एक दिन भी सत्ता पक्ष और विपक्ष नहीं निकले, एक एक दिन भूख से लोग परेशान थे। तो जरा हम जानना चाहेंगे कि उस वक्त इन लोगों का पैसा कहाँ चला गया। और आज आप तो कह रहे हैं कि इस तरह जो गिर रहा है, इस तरीके से गिरना नहीं चाहिए, जनता में मैसेज गलत जा रहा है। भैया, जनता दिग्भ्रमित हो रही है, और जनता को ये नारी खोखी की लड़ाई, ये जो चल रहा है, ये सही माने में यूथ पर गलत प्रभाव पड़ता है। यूथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है, और इन दोनों आदमी, इसीलिए ना मोदी इतना डिसलाइकिंग हो रहे हैं। ट्विटर ट्रेंड था गो बैक मोदी, 6 घंटा तक ट्रेंड ट्वीट किया गो बैक मोदी, गो बैक मोदी। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है जनाब? देखिए, तो कुल मिलाकर पप्पू यादव साफ साफ कह रहे हैं कि बात
मुद्दों की नहीं हो रही है। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। अब प्रधानमंत्री जी 15 साल पुरानी बात करेंगे, 15 साल अपनी बात क्यों नहीं करते हैं? इसके बारे में हमको लगता है कि इनका इलाज बहुत जरूरी, कहीं ना कहीं लोग, जनता ही इलाज करेगी, जनता ही मालिक होती है। देखिए, उन्होंने कहा कि जहाँ समुद्र है फैक्ट्री वहीं होता है। अब मुझको इतना बड़ा थेथरलॉजी, अब सुना आया बड़का बड़का 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट आप लोगों का चल रहा है, अब बाढ़ में गरीब आदमी भूखा था। ये ना मोदी इतना डिसलाइकिंग हो रहे हैं, ट्विटर ट्रेंड था गो बैक मोदी, 6 घंटा तक ट्रेंड ट्वीट किया, गो बैक मोदी, गो बैक मोदी।